यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, 6 फरवरी के दिन आपका पेपर है हिंदी का, और मैंने वादा किया है आपसे कि आपको अबकी बार 90 पार लेके चलेंगे परसेंटेज के हिसाब से। यदि जो बच्चा 90 के पार जाना चाहता है तो उनके लिए देख लीजिए यहाँ पर ये सेट में आपको 5 पेपर सोल्यूशन के दे रहा हूँ, ठीक है। रियल पेपर के भरोसे मत रहिए बेटा, कोई भी रियल पेपर आपको प्रोवाइड नहीं कराने वाला है, अच्छे से करिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको जरूर सोल्व करके जाइएगा एक बार। सीरीज के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है, नेताओं की, ठीक है। मोहन जोदड़ो के अयाब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था, आलिनवाज। झोला जो है एक क्या है, क्षेत्रीय शब्द है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं तो 31 वर्ण होंगे, कितने, 31 वर्ण, ठीक है भैया। आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो रामचरितमानस जो है हमारा, ठीक है, भक्ति काल का प्रसिद्ध रचना है, पर वीरगाथा काल की पृथ्वीदास रासो, ठीक है। तुलसीदास के अनुसार रामचरितमानस, सॉरी, पेट की आग हमारे राम भगवान ही बुझा सकते हैं, ठीक है। और शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, तो बड़े और कैसे होंगे, छायादार। चलिए इसके बाद में आदि काल का प्रमुख रूप से युद्धों का सजीव चित्रण है, युद्धों का। बादल राग कविता को अस्थिर बताया गया है, अस्थिर। जूझ कहानी लड़ते झुलते किसानों के संघर्ष की का झांकी है, यहां पर जाएगा संघर्ष, ठीक है। संवाद लेखन काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का होता है, यहां पर जाएगा संवाद। विरोध ना होते हुए वहां हुए भी, जहां विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, छोटा मेरा खेत का जाएगा आपका उमा शंकर जोशी। सूरदास का जाएगा आपका भक्ति काल। राम भक्ति शाखा का जाएगा आपका तुलसीदास। अनामिका का जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दृश्य नहीं होता है रेडियो नाटक में। तुम घर मत जाओ का जाएगा आपका निषेध वाचक। भयानक रस का स्थायी भाव भी हो गया इतना। इसके बाद में आपका आ जाएगा आगे ये एक वाक्य में सब उत्तर। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम क्या है, प्रवासी की डायरी। छोटा मेरा खेत कविता में कवि किस खेत की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा आ जाएगा कागज रूपी पन्ने, कागज एक पन्ने रूपी खेत की, ये दूसरे यहाँ उत्तर है। सरोटा छंद में मात्राओं की दृष्टि से इस छंद का उल्टा है, सरोटा छंद दोहा छंद का उल्टा है। कोई दो क्षेत्रीय शब्द लिखे, टंगरी और लुटिया। किसी घटना समस्या या मुद्दे पर की गहन छानबीन और विश्लेषण क्या कहलाता है, विशेष रिपोर्ट। आनंद यादव का जो मन है किस बात के लिए तड़पता था, तो पाठशाला जाने के लिए, ठीक है। वनस्पति शास्त्री के अनुसार शिरीष का पेड़ रस कहाँ से खींचता है, वायुमंडल से। शिरीष अद्भुत अवधूत है, सत्य है। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहन जोदड़ो आए थे, बिल्कुल ये सत्य सत्य, तो आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं अपन, तो 6 से देखिए, भक्ति इनके जेठ का बड़ा बेटा, ठीक है, किसे और क्यों बुलाकर लाया, तो ये यहाँ पर लिखा, ये आपका छठा, ठीक है। इसके बाद में अथवा की बात करें तो मेंढक मंडली में किस आयु वर्ग के लड़के होते थे, ये यहां से। जब मन के खाली होने से जेब के भर जाने पर क्या अर्थ है, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, ये हो गया। इंद्र की सेना पर फेंके गए पानी को पानी की निर्गम बर्बादी क्यों कहा गया है, ये यहां से क्वेश्चन नंबर 8 है। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहते हैं, उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस आधार पर किया जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण देना है, यह दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो इसे भी एक उदाहरण दे देना है, डिटेली लिख दे यहां पर। संदेह अलंकार की परिभाषा देनी है,
कवित्त छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। हो गया। काव्य में औज गुण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। राजभाषा की विशेषताएं लिखनी है या सरकारी कामकाज की भाषा है? शिक्षा के माध्यम में प्रयोग की जाती है। राजभाषा किसे कहते हैं? भारत की राजभाषा कौन सी है? ये यहां से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। निपात शब्द का अर्थ बताना है। छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने से कवि का क्या अर्थ है? ये हो गया था। बढ़िया से कंप्लीट करो आप। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये सा था, ये ऐसा कर लेना। ये थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, अब तो आएगा। हो गया। इसके बाद में ये अथवा वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको देखते हैं पहले तो पेपर। यहां से देखें क्वेश्चन नंबर 16 है। ये हो ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 है। 18 ठीक है। ये 18 के बाद में यहां से तो पहले 16 तक तो करें। ये 16 का देख लीजिए। जी हो गया भाव इसका। यहां से देख लीजिएगा थो वाला है। हुआ थोड़ा ठीक है। इसके बाद में ये आपके अगला दो रचनाएं। भाषा शैली कुंवर नारायण का था ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये देख लीजिए। दो रचनाएं भाषा शैलियों के साहित्य में स्थान और रघुवीर सहाय। रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान। अनीश्वर नाथ रेणु का जाएगा यहाँ पे। रचनाएं बस हो गया। इसके बाद में ये शैली और ये साहित्य में स्थान। हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा शैली साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 19 अभी 19 का अथवा अभ्यास का महत्व पर लघु अनुच्छेद हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 आप देख लीजिए। ये यहां से रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 है ना। ये ऐसा रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। ये 21 ये 21 का अथवा
यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23, ठीक है। तो चलिए ये अपना यहां से क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसके बाद में ये अथवा वाला है, ये व्याख्या रहेगी, ये क्वेश्चन नंबर 21, हो गया ये संदर्भ, हो गया ये प्रसंग, हो गया व्याख्या, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 22 इसको आप ध्यान से देख लेना, ये थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो साफ साफ आपको नजर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, दो तीन स्क्रीनशॉट में ले लो। इतना हो गया ये, इसके बाद में इतना जाएगा और ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये सफाई वाला एक, यहाँ तक दूसरा छोटा करके भी लेना चाहता हूँ तो कभी आ जाए आपका साफ सुथरे इस मोबाइल में, यहाँ से ये हो गया। और अब 23 में तो निबंध है ये, यहाँ से